नमस्कार दोस्तों, नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के लिए। दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों के काफी बच्चे आज भी बड़ी कक्षाओं में चले जाते हैं और उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती है। और समस्याएं कई प्रकार की हैं, लेकिन समाधान एक ही प्रकार का है जो केवल शिक्षक के पास है। दोस्तों, हिंदी पढ़ना लिखना न आना, उसके कारण क्या है, थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझना होगा। उसके बाद इसी वीडियो के अंत में आपको एक स्मार्ट टीएलएम के बारे में बताया जाएगा और एक अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी नवोदय क्रांति परिवार के मोटिवेटर्स जिसको मिलकर के चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सब का एक लक्ष्य है कि सभी सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को हम हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छे से सिखाएं, क्योंकि बाकी सारे विषय उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जब बच्चा हिंदी पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाता है, उसको समझ पाता है, तभी वह विज्ञान, सामाजिक, गणित आदि विषयों को पढ़ करके समझ करके आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, हिंदी ना पढ़ना आना, उसके कारण क्या है, आज हम नए संदर्भ में बात करते हैं। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स में हमें सीखने को मिलता है, और पहले भी जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी तो हमें बताया गया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार से ये दक्षताएं बच्चे की विकसित करनी होती हैं। हमें सरल से कठिन की ओर जाना होता है और शब्दों, वाक्यों से वर्णों की ओर जाना होता है। लेकिन ये तीनों ही प्रोसेस कहीं ना कहीं उल्टी हो गई हैं, हमारे कार्य कराने के तरीके कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं, और जिसकी वजह से आज भी हम लगभग सभी कक्षाओं में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनकी हिंदी की पढ़ने की और लिखने की जो दक्षताएं हैं वो विकसित नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इस पर बात करना जरूरी है। जब हम बात करते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार स्किल इसी सीरीज में चलती हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा पहली या दूसरी क्लास में हमारे सामने होता है प्रथम चरण पर, तो होता क्या है, आप वास्तव में देखिए। एक टीचर का मोस्टली जो टाइम है, जो समय है, वो निकल जाता है उस बच्चे की नोटबुक में होमवर्क देने में और होमवर्क चेक करने में। जी हाँ, एक एक बच्चे की नोटबुक पे तीनों विषय का उसको होमवर्क डोटेड करके देना होता है और फिर उसको चेक करना होता है जो पहले उसने होमवर्क दिया था। और बहुत सारी समस्याएं इस दौरान निकल करके भी आती है, किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं होती है, किसी के पास पेंसिल नहीं होती है, तो इस तरह की समस्याएं भी हैं। कोई पेज फाड़ देता है, कोई घर पे भूल जाता है, कोई उससे डरता है, होमवर्क से डरता है, वो स्कूल में ही नहीं आता है। और जब वो टीचर उसको काम करवाता है तो उसका मोस्टली टाइम दिन का बच्चों की नोटबुक के ऊपर निकल जाता है और वो रह जाती है हमारी राइटिंग स्किल, जो कि हमारी आखिरी स्किल है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये तीनों स्किल कहाँ चली जाती हैं, हमें इसका आभास भी नहीं होता है, और इसी कारण से बच्चे अंतिम चरण की स्किल को भी अच्छे से गेन नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा और हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप राइटिंग स्किल को पैरेलल लेके चलते हुए भी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग को पहले डेवलप करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा हम सब के लिए बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा हम बात करते हैं हिंदी पठन में वाक्यों से शब्दों की ओर और शब्दों से वर्णों की ओर ले जाने के बारे में। दोस्तों, पहले भी हमने बात की थी और काफी सारे शिक्षाविदों से मत आते हैं, हमें ट्रेनिंग्स में बताया जाता है कि हम सरल से कठिन की ओर ले जाते हुए बच्चे को समझाएं किसी विषय को, तो उसमें आमतौर पर जो हमारी धारणा रही है, पहले से जो हम ट्रेडिशनल मेथड को अपना करके करवाते रहे हैं, उसमें क्या रहा है कि हमने वर्णों से बच्चे को स्टार्ट किया है, हमने उसको हिंदी वर्णमाला से शुरू कर दिया और उसके बाद हम उसको दो वर्णों का जोड़ और फिर शब्द बनाना और फिर वाक्यों की ओर लेकर के चलते हैं, जबकि ये सरल से कठिन नहीं है, ये कठिन से शुरुआत है। कैसे, इसको समझते हैं। जब एक बच्चा हमारे पास क्लास में आता है, उसके पास किसी भी वर्ण की पहचान नहीं होती, वर्ण या ध्वनि चिन्ह उसके लिए बिल्कुल नए होते हैं,
और दोस्तों हम उसी से शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसके पास होता क्या है, उसके पास वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं। कैसे? वो आपसे बात करता है तो वाक्य बोलता है, अपने घर में, परिवार में, अपने दोस्तों से बात करता है तो वाक्य बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पीने जाऊं, मैं टॉयलेट करने जाऊं, मैं अंदर आ सकता हूं, मेरी किताब वो लेकर के गया है, आज मेरी माँ ने खाना नहीं दिया है, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, टीचर मुझे बहुत प्यार करती है, ये वाक्य वो जानता है और बोलता है। उसे पता है ये मेज है, ये कुर्सी है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये टीचर है, ये बच्चे हैं, बच्चों के नाम उसको याद हैं, उसे शब्दों का ज्ञान है। जब बाहर निकलेंगे कुछ पेड़ों के नाम उसको याद हैं, कुछ फल जो वो घर पे खाता है उनके नाम उसको याद हैं, तो उसको शब्दों का ज्ञान है। उसे पता है सेब क्या होती है, उसे पता है केला क्या होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि केला दो वर्णों से मिलकर बना है, इसमें मात्रा कौन सी लगी है, क क्या होता है, ल क्या होता है, ए की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा क्या होती है, ये उसको नहीं पता है। और हम वहीं लेकर के उसको चले, यानी हमने उसको कठिन से शुरू कर दिया, वर्णों से शुरू कर दिया। तो इसका उपाय क्या हो? हम बच्चे की जो बात करते हैं सरल से कठिन की ओर ले जाना, वाक्यों से, शब्दों से वर्णों की ओर ले जाना, या फिर हम कहें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस सीरीज में पढ़ाना, ये सभी एक ही कार्य हैं, एक ही दिशा के कार्य हैं दोस्तों। एक ही दिशा में कैसे होता है? अगर हम सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहें तो हमें पहले वाक्यों का अभ्यास करवाना चाहिए बच्चे को, उसको कहानियां सुनाएं, कविताएं सुनाएं, और फिर उसे शब्दों की पहचान की तरफ ले जाएं, फिर उसे वर्णों और मात्राओं की ओर लेकर के। तो वही तो है सरल से कठिन, वाक्य से वर्ण की ओर। और इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये स्किल कैसे आएंगी? जब हम सरल से कठिन की ओर वाक्य से शुरू करेंगे तो हम बच्चे को कुछ सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे, उसके बाद वो बोलेगा, कहानी याद करके सुनाएगा, कविता सुनाएगा, अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, अपना परिचय देगा, उसके बाद वो उन बातों को देख करके पढ़ पाएगा। वर्णमाला के ज्ञान के बिना भी आप उसको अगर 5-10 दिन तक कोई शब्द या कोई वाक्य बताते हैं तो वो उसको पढ़ लेगा देख करके कि ये क्या लिखा हुआ है, चित्र के माध्यम से भी वो पढ़ लेगा। और फिर हम उसको वर्णों की ओर लेकर के जाएंगे, नहीं, उसका जो लिखने की जो स्किल है, जो उसकी दक्षता है, उसका फिर हम विकास करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों स्टेप एक ही दिशा में जाते हैं, सरल से कठिन की ओर कहें, या हम पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना दक्षताओं की सीरीज की बात करें, या फिर हम बात करें पहले वाक्यों से लेकर के बच्चे को शब्दों और वर्णों की ओर ले जाने के लिए। अब दोस्तों करना तो एक टीचर को है, उसकी क्लास में किस प्रकार का माहौल है, कैसे वो पढ़ाना चाहता है और कैसे उसके बच्चे सीखते हैं, मुख्य मुद्दा यहां पर है। कोई भी मेथड, कोई भी तरीका अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है। बेसिकली जो तरीके होते हैं वो एक आइडिया देते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, और वास्तविक जो मेथड है वो क्लास में ही क्रिएट होता है और एक टीचर क्रिएट करता है जो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग होता है। तो ये सपोर्ट जरूर हमें इससे मिलेगी अगर हम इस तरीके से टेक्निकली लेके चलेंगे। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो हम सोचते हैं कि हम राइटिंग स्किल को इग्नोर कैसे करें, नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हम आपके लिए नवोदय क्रांति परिवार के बहुत ही बेहतरीन साथियों ने मिलकर के एक किट तैयार की है, उसकी पूरी जानकारी और उसका पूरा उपयोग आपको आज बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी क्लास, ये जरूर बता दीजिएगा। तो अभी आपको उस पूरी किट की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए आपके सामने है ये नवोदय क्रांति परिवार द्वारा तैयार की गई एक स्मार्ट किट, जिसको स्मार्ट शिक्षण अधिगम सामग्री कहा गया है हिंदी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यह TLM स्टेशनरी खर्च को कम करके छात्रों के अभ्यास को अधिकतम करने में बहुत उपयोगी होगा।
और इसका आइडिया ईश्वर दलाल जी से मिला। सुनील डांडा जी ने इसमें और बहुत सारे नवोदय ग्रंथी मोटिवेटर्स ने काफी योगदान दिया इसको तैयार करने में, और निश्चित रूप से यह नवाचार शिक्षा उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दोस्तों, इसके उपयोग करने के लिए हम स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे, और इसको साफ करने के लिए एक गीला कपड़ा ये अपने पास रखेंगे, और अपने पास बैठा करके बच्चों को इसका अभ्यास करवाना है इस पर किस प्रकार से काम करना है। इसके दो सेट हम लोग रखेंगे, एक स्कूल में रहेगा और एक घर पर रहेगा। पेरेंट्स को भी इसका उपयोग करना सिखा दिया जाएगा, या फिर ये वीडियो का लिंक भेज करके उनको दिखाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। इसके साथ साथ इसको उपयोग करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आपको साथ साथ इसकी पूरी प्रोसेस, और इसके साथ साथ ये एक राइटिंग स्किल का काम करेगा, इसके साथ साथ उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग जो स्किल्स हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना जो उसकी दक्षताएं हैं, उनको किस प्रकार से विकसित किया जाए, उसके लिए जो ऑडियो वीडियो होंगे वो साथ साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास पहुंचाए जाएंगे। हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि हमारे सभी बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ना और लिखना सीखें, और जिस भी क्लास के सभी बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं उसको नवोदय क्रांति परिवार की ओर से सम्मानित किया जाएगा, और उस टीचर के लिए प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस TLM का उपयोग करके किस प्रकार से टीचर स्मार्ट हो जाएगा और उसके बच्चों को डेफिनेटली 2 से 3 महीने के अंदर हिंदी अच्छे से पढ़नी और लिखनी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से तैयार की गई है। हम पहले, बहुत समय पहले की बात करें, या जब हम पढ़ते थे उस समय की बात करें, तो हम तख्ती या स्लेट का काफी इस्तेमाल करते थे। तो उसी कंसेप्ट को लेकर ईश्वर दलाल जी ने स्मार्ट तख्ती बनाई थी, और उसमें मॉडिफाई करके हमने, सुनील डांडा जी और साथियों ने मिलकर के इसको काफी स्मार्ट बना दिया है, और ये शिक्षण अधिगम सामग्री के तौर पर आपके सामने है। तो दोस्तों, एक टीचर का जो मोस्टली समय निकल जाता है बच्चों को डोटेड वर्ण देने में, वो आपका बचेगा। इस प्रकार यहां पर आपको पूरी हिंदी वर्णमाला लिखी हुई मिलेगी, जिस पर के बच्चे डोटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर इस प्रकार से बच्चा यहां पर ये इसके ऊपर से बिल्कुल आराम से ट्रेस कर सकता है। और धीरे धीरे सुबह और दोपहर बाद हम 2 बार इसकी प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे, और ठीक घर पर भी बच्चा इसकी प्रैक्टिस करेगा। और इस पर लिखने के बाद बहुत ही आसान है, एक हल्के गीले कपड़े से इसको इरेज कर दिया जा सकता है, यानी फिर से आपकी TLM आपके सामने उसी रूप में है। इसको कितनी बार आप यूज करें, ये खराब नहीं होगी, और कम से कम 1 साल तक तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसको और अधिक स्मार्ट बनाया गया है यहां पर। इसके एक एक स्टेप को आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया भी जाएगा, आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत उपयोगी आपके लिए रहेगी। तो यहां पर आप देखिए, अलग अलग वर्णों को लिखने के लिए बहुत ही सरल तरीका बनाया गया है। ये 3 अंक बच्चे आसानी से लिख लेते हैं, और 3 से ये वर्ण बिल्कुल सरलता से बन जाते हैं, उ उ अ आ ओ औ। तो जैसे बच्चे को हम सिखा दें कि बच्चे ने ये लिखना, एक बार ट्रेस करना अच्छे से सीख लिया है, तो उसके बाद उसको यहां लेकर के आएंगे और उसको कहेंगे कि आप 3 के ऊपर उ बना के दिखाइए, उ बना देगा। अगर उसको कहेंगे उ बना के दिखाइए तो उ बना देगा। अ बनाना देखिए कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद आ, और धीरे धीरे हम ओ और आओ की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सिमिलरली पहले बच्चे से 4 का अभ्यास करवाएं। जब उसको 4 लिखना आ गया है तो 4 पे ट्रेस करते हुए इस प्रकार सिरोरेखा लगाते ही प बन जाएगा।
थोड़ा सा अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो फ बन जाएगा। इसी प्रकार से वो इसको भ भी बना सकता है, इसी चार से म भी बनेगा और य और थ। तो दोस्तों बड़ा सरल रहेगा ये बच्चों के लिए। और सात, सात अंक लेकर के सात से हम ये सारे वर्ण बना सकते हैं, त न म ज ज्ञ य। ये देखिए कितना आसान है। ये इस प्रकार से बच्चों को बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसानी से, और इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि ये नोटबुक नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस है और इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। और यहां पर टीचर की जो लेबर है, जो उसको नोटबुक पे काम देना पड़ता था, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा तीन महीने तक। पेरेंट्स के लिए भी कोई झंझट नहीं रहेगा कि उसको नोटबुक खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है और उसका स्टेशनरी का खर्च है, और बच्चे का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और बच्चा तीन महीने तक, जब तक उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, वो बिल्कुल बैग फ्री होकर के स्कूल में आएगा। ना उसके पास कॉपी होगी, ना पेंसिल होगी, केवल एक सीट ये घर पर होगी और यही सीट स्कूल में होगी। ये देखिए आप पांच, पांच से किस प्रकार कितनी आसानी से हम ई बना सकते हैं, ई भी बना सकते हैं और ये बाकी सारे वर्ण। ये देखिए इसी प्रकार दो को इस रूप में लिख करके इससे हम बच्चों को ख र श स ए ऐ ये वर्ण सिखा सकते हैं। और ये एक सीधी रेखा से बच्चों को ग बनाना और घ बनाना, च बनाना, अण बनाना, ध और ल बनाना। इसी प्रकार आधी रेखा से ट ठ और ढ और अक्ष क और व पूरी रेखा से बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। एक प्रकार से एक सीरीज हो जाएगी और उसको बनाना सिखाना काफी आसान रहेगा, उसके लिए रोचक रहेगा, जिसको वो करना चाहेगा। निश्चित रूप से इस पर बच्चा दिन में चार बार प्रैक्टिस करेगा और इतना होमवर्क प्रतिदिन दो बार टीचर्स नहीं दे सकते। इसमें बच्चे के लगभग 15 से 20 मिनट सुबह के सेशन में और 15 से 20 मिनट शाम के सेशन में लगेंगे। जब बच्चा यहां से यहां तक आ जाएगा, उसके बाद उसको यहां पर हम लेकर के जाएंगे। जब उसको वर्णों की पहचान हो गई है तो दो वर्णों को जोड़ करके किस प्रकार से वो पढ़े, यहां पर उसका अभ्यास करवाया जाएगा। देखिए हम यहां पर उसका अभ्यास करवा सकते हैं, क ल कल। तो यहां पर चार वर्णों का अभ्यास, यहां पर चार शब्द हम दे सकते हैं दो दो वर्णों के, रख रख। तो यहां पर भी इस प्रकार से उसका जितनी बार मर्जी, जितने मर्जी वर्णों का हम शब्दों का, दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्दों का अभ्यास यहां पर करवा सकते हैं और बड़े इंटरेस्ट लेकर के बच्चा यहां पर करेगा। उसके बाद जब वर्णों की उसको पहचान हो जाती है, दो वर्णों को तीन वर्णों को वह जोड़ लेता है, तो हम मात्रा की ओर जब बच्चे को लेके चलेंगे तो 12 खड़ी जिस प्रकार से हम अभ्यास करवाते हैं, उसी प्रकार से सभी मात्राओं का यहां पर अभ्यास करवाएंगे। जैसे यहां पर हम लेते हैं ना, तो उसकी सभी मात्राएं यहां पर लिखी गई हैं। न पे वो आ की मात्रा लगाएगा तो ना, नी, सॉरी
नी नो नो और बाकी सारी मात्राएं हम अच्छे से जानते हैं हमें किस प्रकार से करवाना है और इतना काफी है क्योंकि ये टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। उसके बाद बच्चा जब मात्राओं का ज्ञान तक अभ्यास करना शुरू कर देता है, हमें अभी तक भी उसको नोटबुक पेंसिल के झंझट से बाहर ही रखना है, तो हम उसको यहां पर लाइंस में वाक्यों को, शब्दों को किस प्रकार से लिखना है वो सिखाएंगे। और उसके साथ साथ वो अपना नाम लिखना सीखेगा, पिताजी का, माताजी का नाम लिखना सीखेगा, गांव का, राज्य का, देश का नाम लिखना सीखेगा। और जब इसके ऊपर से ट्रेस करते हुए बच्चा लिखेगा तो उसे इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये जो लाइन जो लगी हुई है ये नोटबुक की तरह लगी हुई है। तो इस प्रकार से वो यहां पर अपना नाम लिख सकता है और यहीं से बच्चा अपना नाम लिखना भी सीख जाएगा। तो इस प्रकार इसको आसानी से फिर हम इरेज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिर से वैसे की वैसी सीट हो जाएगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है और इस किट का बेहतरीन उपयोग करना है। इसके साथ साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उस ग्रुप के माध्यम से आपके सामने हर 15 दिन का सिलेबस रखा जाएगा। 15 दिन में आपको कुछ ऑडियोज दी जाएंगी, कुछ वीडियोज दी जाएंगी और टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे, कविताएं दी जाएंगी और उसके माध्यम से आपको बच्चे को वही करवाना है। आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और हम देखेंगे कि किस प्रकार 1 से 2 महीने के अंदर हमारे बच्चे अच्छे से वर्णों को पहचानने लग जाएंगे और हमारे पास पूरा समय रहेगा उसको अच्छी सारी कविताएं याद करवाने का जो हम उस ग्रुप में देखेंगे, सुनेंगे और बच्चों को याद करवाएंगे। और हम इस ग्रुप के माध्यम से दूसरे टीचर्स के आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे और लगभग हम देखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर बच्चे को 15 से 20 छोटी बड़ी कविताएं याद हो जाएंगी, वो शरीर के अंगों के, फलों के, जिलों के, राज्यों के और सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे वो याद कर पाएगा, अपने बारे में अच्छे से वो अभिव्यक्त कर पाएगा और आप देखेंगे कि आपका बच्चा बदल रहा है और वो सीख रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मुहिम से जुड़ करके, नवोदय क्रांति परिवार के साथ जुड़ करके और अपने बच्चों को हिंदी में सफल बनाना है और सफल ग्रेडिंग अभियान को अंतिम चरण तक लेकर जाना है। सरकारी स्कूल का प्रत्येक बच्चा अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीखेगा और हमारे देश में सरकारी शिक्षा में क्रांति निश्चित रूप से आएगी। सबके लिए सरकारी शिक्षा, बेहतर हो हमारी शिक्षा, इसी ध्येय के साथ भारत के समर्पित सरकारी शिक्षकों का सबसे बड़ा परिवार आपका स्वागत करता है। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए, अगर आपकी क्लास के सभी बच्चे अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनको ऑब्जर्व करके आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो जहां पर हिंदी का जो सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वहां पर इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट किया जाएगा, उसकी भी फर्स्ट लेवल की किट आ चुकी है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश की भी किट आ चुकी है और ये किट इनकम के लिए या कमाई के लिए किसी प्रकार का कोई तैयार नहीं करवाई गई है, ये केवल और केवल एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयार करवाई गई है। तो इसकी कॉस्ट जितनी भी होगी वो आपस में डिवाइड कर ली जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं रखी गई है। तो दोस्तों आप हिंदी में पहले सक्षम बनाएं, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाने की, सिखाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। मिलकर करेंगे, अच्छा करेंगे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आओ मिलकर के अपने सरकारी स्कूलों को बहुत बेहतर बनाएं, अपने बच्चों के अंदर वो सपने संजोएं जो उन्होंने ना देखे हैं ना वो देख सकते हैं। जय शिक्षा, जय शिक्षा।